कहानी बहुत पुरानी है, 6000 साल। एक योगी ऋषि ने संसार पर नियंत्रण करने के लिए हमारे ग्रह पृथ्वी की सारी शक्तियों को अपने योग बल से एक शक्ति पुंज में जमा कर ली थी। उस ऋषि के 2 मुख्य शिष्य थे, सत्य और वज्रबाहु। वज्रबाहु उस शक्ति पुंज को हासिल करना चाहता था, क्योंकि शक्ति पुंज को पाकर दुनिया का मालिक बन जाता। लेकिन सत्य ने उसका विरोध किया, दोनों में भयंकर संघर्ष हुआ, शक्तिपुंज 2 भागों में बट गए। आधे शक्तिपुंज को लेकर सत्य अपने अनुयायियों के साथ हिमालय चले, जिनके वंशज दुर्यांशी के। और वज्रबाहु ने आधे शक्तिपुंज को अंधेरे की ताकत से पाप मणि में बदल दिया और तमराज किलविश बनकर संसार में पाप फैलाने। दुर्यांशियों ने पाप के प्रतिकार के लिए एक साधारण इंसान को महायोगी बना। योगी ने योग बल से अपने शरीर को 5 तत्वों आग, हवा, पानी, मिट्टी और आकाश में विभक्त कर हर तत्व से अलग अलग शक्तियां हासिल की और बन गया महायोद्धा शक्तिमान, जिसका मकसद था सच्चाई और समाज का रक्षक बनकर अंधेरे को मिटाना, अमराज किलविश को हत करना। मगर अंधेरे का मिटना नामुमकिन है, क्योंकि अंधेरा दुनिया में रोशनी से पहले भी था और रोशनी के बाद भी रहेगा। वक्त आ गया है शक्तिमान को मिटाना होगा। वो इंसानों की तरह 5 तत्वों की ताकत से बना है, मगर अंधेरा इंसान के 6 दुश्मनों की ताकत से बना है। 5 पर 6 भारी पड़ेंगे, बहुत भारी पड़ेंगे। इंसान के 6 दुश्मनों अंधेरे को तुम्हारी ताकत इकट्ठा चाहिए, एक साथ तुम सब अपनी ताकत दो।
वो स्वप्न नहीं, भविष्य का सच जो तुमने स्वप्न में देखा, उसकी भविष्यवाणी श्री सत्य ने आज से 6000 वर्ष पूर्व कर दी थी। यही सब भविष्य में होने वाला है। अर्थात मैंने जो कुछ भी सपने में देखा, पृथ्वी का अंत होने वाला है। ये प्रबल इच्छा है तमराज के लिए, और दुर्भाग्य से समय भी अंधेरे के साथ है। आज हजारों वर्षों के बाद नक्षत्र एक महापाप योग बनाने जा रहे हैं। ऐसा अवसर किलविश कदापि अपने हाथ से जाने नहीं देते, और संभव कि वो महापाप योग की ऊर्जा और मनुष्य के 6 शत्रुओं की शक्ति को मिलाकर तुम्हारे जैसा ही एक शक्तिशाली योद्धा बना, अंधेरे का महायोद्धा। ये भी संभव है कि वो तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हो। चेतावनी देने आया सावधानी आवश्यक, क्योंकि इस बार अगर पाप और पुण्य के बीच युद्ध हुआ तो वो बड़ा ही विनाशकारी और निर्णायक युद्ध। चाहो तो तुम भी बन सकते हो शक्तिमान। योगेश बेटा, पिकनिक पर घर का ही पानी पीना और शाम को पिकनिक से सीधे घर आना। कहीं इधर उधर मत जाना, मैं कॉफी शॉप में ही रहूंगी। चलो एंजॉय। बाय आंटी। बाय मॉम। तो और क्या, देखो कॉमिक्स में गीता विश्वास ने साफ साफ लिखा है कि शक्तिमान बचपन में कॉमन बच्चा था। वो डॉगी से डरता था, स्विमिंग से डरता था। जब ऐसा लड़का बड़ा होकर शक्तिमान बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते? अरे यार, मुझे नहीं बनना है शक्तिमान, क्या करोगी? लो बस भी आ गई। योगेश, आज वो तुम्हें फिर चिढ़ाएंगे, आज मत चिढ़ना प्लीज। तो और क्या करूं? हंस देना, चिढ़ाने वाले खुद चिढ़ जाएंगे। और वैसे भी डांस कंपटीशन होने वाला है, और इस बार हमेशा जीतने वाले समीर को हरा देंगे, और हारने के बाद वो तुम्हें खुद चिढ़ाना बंद कर देगा योगेश। मम्मी का बच्चा आ गया, मम्मी से पूछ कर आया है ना, मम्मी के लाडले। मम्मी का बच्चा आ गया, मम्मी का बच्चा आ गया, मम्मी के बच्चे की चमची भी आ गई। मम्मी का बच्चा आ गया, मम्मी का बच्चा आ गया। ये देखो कॉमिक्स के पीछे कौन है, गीता विश्वास और गंगाधर। गॉड, गंगाधर आप घड़ी देखना छोड़ो, तुम ऑलरेडी लेट हो गए हो। अरे आ गए देवी जी, हम आ गए आ गए आ गए। ये चैनल शक्तिमान के न्यूज पर ही चलता है, इसीलिए तो इस चैनल में गंगाधर और गीता विश्वास को इतना भाव मिलता है जी। रख स्वामी, सत्य बोलता हूँ। महाशय आप सत्य तो कह रहे हैं, परंतु ये सत्य अधूरा अर्थात अपूर्ण है, और अपूर्ण सत्य सत्य होते हुए भी सत्य कहाँ होता है? अरे पूर्ण सत्य कहिए ना बंधु, पूर्ण सत्य। पूर्ण सत्य गंगाधर जी, ये पूर्ण सत्य क्या जी? अरे पूर्ण सत्य अर्थात हमारा पूरा नाम तो लीजिए बंधु, और हमारा पूरा नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री ग्राम गुटीटा पोथरी खोली। बस 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 गंगाधर, अब रहने भी दो। अरे गंगाधर, अब तुम्हारे पूरे तो क्या आधे नाम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भाई क्यों भाई, अब हमारे नाम की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ेगी? अब क्या है कि चैनल को शक्तिमान की न्यूज की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी हमें उससे भी बड़ी न्यूज मिल गई है जो दुनिया के अंत होने तक चलती रहेगी, और ये न्यूज लाए है गंगाधर हमारे स्वामी जी। हमने रिकॉर्ड किया है, जरा वहाँ टीवी पे तो देखो। तो स्वामी जी बताइए, माया सभ्यता का कैलेंडर क्या कहता है? सर्वनाश जी सर्वनाश। अयो, माया सभ्यता का कैलेंडर बिल्कुल क्लियर है जी। एस पर माया सभ्यता का कैलेंडर, इस साल के एंड में इस यूनिवर्स के सारे प्लैनेट्स और स्टार्स आपस में टकराएगा जी, और सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा और कोई नहीं बचा सकेगा, नॉट इवन शक्तिमान। इस साल का एंड मतलब दुनिया का दी एंड, ये एकदम पक्का।
ये क्या चला रखा है टीवी पर? क्या है ये सब स्वामी जी? ये वही है जो बिकता है गीता। और बेचते हुए आपने ये भी नहीं सोचा कि इस न्यूज की वजह से लोगों में कितना डर फैलेगा? डर? डर ही तो सबसे ज्यादा बिकता है, और जो बिकता है वो दिखाना मेरा फर्ज बनता है। और जर्नलिस्ट का फर्ज, वो याद नहीं है आपको? तो हम बता देते हैं ना देवी जी, हम बता देते हैं, पत्रकार का प्रथम कर्तव्य होता है बिना लाभ हानि की चिंता किए बिना सच को जनता तक पहुंचा देना। और भी कई कर्तव्य हैं। अरे हमने तो इस पर एक पुस्तक लिख डाली है, पत्रकारों के 101 कर्तव्य। आप लोगों को पढ़ने को देते, परंतु दुख की बात यह है कि वो पुस्तक अभी तक कोई छापने को तैयार नहीं हुआ। बिकने वाली किताबें छपा करते गंगाधर। और मैं कोई झूठ थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो वही दिखा रहा हूँ जो माया कैलेंडर कहता है। और माया कैलेंडर कहता है कि दुनिया का अंत होने वाला है। कैच कर। तो नीचे गिर गया। मैं तो बस मस्ती कर रहा था। अगर प्रिंसिपल को पता चल गया, मुझे तो स्कूल से ही निकाल देंगे। भूकंप किसी यंत्र से पैदा किया जा रहा है। कम को तो रोक दिया, मगर द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट जे कॉल के शैतानी साइंस का शैतानी कमाल भूकंपा के परीक्षण को नहीं रोक पाया। भूकंपा ऐसे हथियार को
कौन सा देश नहीं खरीदना चाहेगा? और अगर एक बार किसी देश ने इसे खरीदा तो फिर इस हथियार को खरीदने की होड़ में कौन सा देश पीछे रहेगा? यानी पैसा ही पैसा, पावर, मोर पावर। शक्तिमान तुम। अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी को आना ही पड़ता है जयकौल। तबाही का जो खेल तुमने शुरू किया है मैं उसे रोकने आया। गलत फहमी है तुम्हारी, तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी भूल की है शक्तिमान। अब तुम यहाँ से वापस जिंदा नहीं लौट पाओगे। अफसोस जयकौल, बुरे लोगों की कोई भी बुरी इच्छा पूरी नहीं होने देता शक्तिमान। अब चले तुम्हारी असली जगह पर, पृथ्वी की किसी जेल में। नहीं, दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो इस शैतान साइंटिस्ट को बंद कर सके। बहुत जल्द शैतानी मुलाकात होगी शक्तिमान। पावर। कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया? आप लोग समझ नहीं रहे हैं, हम पेरेंट्स को कितनी टेंशन हो रही है। भूकंप स्वाभाविक नहीं था, शैतान साइंटिस्ट जयकौल द्वारा पैदा किया कृत्रिम भूकंप था वो। लोगों में दहशत फैलाना बुराई का मकसद होता। जयकौल और उस जैसे बुरे लोग दहशत फैलाने के नए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं, कभी तबाही फैलाते हैं कभी अफवाहें, और इस बार तो दोनों काम एक साथ हुए। कुछ लोगों ने माया सभ्यता, वो सभ्यता जो हजारों वर्ष पूर्व इस संसार से खत्म हो चुकी है, उस माया सभ्यता के कैलेंडर के सहारे लोगों में अफवाह फैलाई कि ये दुनिया इस साल के अंत में खत्म हो जाएगी। और फिर जयकौल ने उस अफवाह का सहारा लेकर कृत्रिम भूकंप पैदा किया ताकि लोग इस साल के अंत तक दहशत में जीने के लिए मजबूर हो जाए। भूकंप को रोकने और सच्चाई को हम सब के सामने लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शक्तिमान। समाज के लिए कोई संदेश? यही कि लोग झूठी अफवाहों से डरना छोड़ दें, क्योंकि डरना तो मौत से भी बदतर होता है। याद रखिए, ये जीवन जीने की चाह पर टिका होता है। जब तक हमारे अंदर जीवन जीने की चाह है, ये जीवन यूं ही चलता रहेगा। मेरा विश्वास रखिए, इस साल के अंत के बाद भी ये जीवन आप लोगों की आंखों के सामने यूं ही हंसता मुस्कुराता चलता रहे। ये शक्तिमान का आप सब लोगों से वादा है। चलता सुना आपने, जब हमारा रक्षक शक्तिमान हमारे बीच है तो हमें किसी से भी डरने की क्या जरूरत है। गीता विश्वास, कैमरामैन संदीप के साथ शक्ति समाचार। गुड जॉब गीता। बचाने की न्यूज तबाही के न्यूज से हमेशा ज्यादा अच्छी होती है और ज्यादा बिकती भी है। थैंक यू सर। वेल डन। बाय द वे, ये गंगाधर कहाँ है? आज भी हमेशा की तरह शक्तिमान का इंटरव्यू गंगाधर ने नहीं किसी और फोटोग्राफर ने शूट किया। जब भी तुम शक्तिमान का इंटरव्यू लेती हो ये गंगाधर कहाँ चला जाता है? पचपन आ गया जे। नमस्कार, हम हैं पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री, ग्राम गुटिंडा पोज त्रिखोली जिला। हम क्या पहली बार मिल रहे हैं? अर्थात आप हमें पहचानते हैं, जानते हैं? अब देखिए, भूमि ने तो हमें पहचानने से ही इनकार कर दिया, जबकि हम प्रातः दोपहर संध्या रात्रि को हम भूमि पर विचरण ही विचरण किया करते हैं, और एक भूकंप क्या आया उसने हमें पहचानने से ही इनकार कर दिया। हमें भूकंप के धक्के से ढकेल दिया, और जानते हो कहाँ ढकेला? नहीं। उत्सर्जन प्रवाहक में। क्या? उत्सर्जन प्रवाहक यानी नगरीय विकार निकास मार्ग। कौन सा मार्ग?
सर, इनका मतलब है गटर। शायद आप उसे नाली भी कहते हैं। आप नहीं जानते कितनी पीड़ा से, कितने प्रयत्न से, कितने कष्ट से हमने स्वयं को और इस चलचित्र खींचक यंत्र को बचाया, परंतु सब कुछ नहीं बच पाया। हमारी जेब का धन गिर गया। कितना नुकसान हुआ गंगाधर? हमारे रहते हुए हानि यानी कि नुकसान यानी कि लॉस हो जाए? नहीं नहीं नहीं, हमने निकाल लिया। और निकालते क्यों नहीं? पूरे 100 पैसे अर्थात 1 रुपए का सवाल था, जो आपकी कर में देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। कर में मतलब आपके हाथ में सर। ये सिक्का गटर में गिरा था, तुमने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। अरे हमने कहा पकड़ाया, हम तो इसे वायु में उछाल रहे थे और सुखा रहे थे, आपने ही उसे लपक लिया। बकवास बंद करो और ये बताओ, जब गीता शक्तिमान का इंटरव्यू ले रही थी तब तुम कहाँ थे? हमने कहा ना कि हम उत्सर्जन प्रवाहक यंत्र अर्थात। शट अप, मेरा जी कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल दूं। आज तक तुम शक्तिमान का इंटरव्यू नहीं ले पाए हो। अगीता, ये शक्तिमान कहां से आता है, कहां चला जाता है, उसका पूरा नाम क्या है, इन प्रश्नों के जवाब तुमने अभी तक नहीं दिए। ना तुमने दिए, ना गंगाधर ने दिए। मुझे इन प्रश्नों के जवाब चाहिए अभी। अच्छी एक्टिंग अर्थात अभिनय कर लेते हो गंगाधर जी। एक बार फिर शहर को बचाने के लिए थैंक यू शक्तिमान। शक्तिमान लगता है देवी जी आपके दिमाग में अब भूकंप चल रहा है। अरे कहां शक्तिमान और कहां हम, कहां राजा भोज, कहां गंगूतेली, आप हमें शक्तिमान भैया कह रही। मैंने भैया कब कहा? हमने ही कहा, पर शक्तिमान भैया को तो हम शक्तिमान भैया ही तो कहते हैं ना भाई। जानती, इस सच्चाई को कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि तुम ही शक्तिमान हो। अंधेरा कायम रहे हमेशा, कई हजार सालों के बाद आज वो अमावस्या की रात आएगी जब सितारे महापाप योग बनाएंगे। महापाप योग? महापाप योग यानी अंतरिक्ष में सारी पाप की ताकतों का एक साथ इकट्ठा होना। ये शिला इस पाप की ताकत को अपनी ओर खींच लेगी और पाप की ताकत आते ही ये पुतला जीवित हो उठेगा और अंधेरे का महायोद्धा जन्म ले लेगा, जिसके हाथों सबसे पहले मिटेगा शक्तिमान और उसके बाद ये सारी दुनिया और अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। अंधेरा कायम रहे हमेशा। मगर इतना याद रहे अंधेरे के नुमाइंदों कि महापाप योग के वक्त कोई भी इंसान या जीव जंतु इस गुफा के अंदर प्रवेश ना कर पाए, नहीं तो असीम काली शक्तियां उस पुतले की जगह उसे मिल जाएंगी और अंधेरा फैलाने की ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। आप चिंता ना करें तमराज किलवेश, यहाँ कोई नहीं आएगा। समझ लो आज अंधेरा कायम होकर रहेगा, कायम होकर रहेगा, कायम होकर रहेगा। कहां से आ गया?
मैं तुम्हें इसे लेकर जाने नहीं। ने अच्छा किया शक्तिमान, इसे यहां ले आए। महापाप योग और अंधेरे के महायोद्धा के जन्म की भविष्यवाणी हमारे सूर्यांशी समुदाय के संस्थापक श्री सत्य ने आज से 6000 वर्ष पूर्व ही कर दी थी। शक्तिमान किल्विश ने इसी महापाप योग का लाभ उठाकर इस बच्चे में पाप की शक्ति का समावेश कर दिया है। परंतु किल्विश ने इस कार्य के लिए इसी बच्चे को क्यों चुना महाशय? अब ये तो शक्तिमान इस बालक के मस्तिष्क के परीक्षण के बाद ही पता चलेगा, परंतु अब ये बालक यहीं रहेगा हमारे निरीक्षण। जैसा आप उचित समझे महाशय। इसे आप छोटा कीजिए। ओके। अब एक्सक्यूज मी, तुम ही गीता विश्वास और तुम गंगाधर हो ना? जी हाँ, यही है पंडित गीताधर और हम हैं गंगा विश्वास। मेरा मतलब है कि ये गीता विश्वास है और हम पंडित गंगाधर। एक्चुअली इसने बताया था कि तुम दोनों ही शक्तिमान की न्यूज लेकर आते हो। जी जी हाँ, मैं ही न्यूज लेकर, मेरा मतलब है कि हम दोनों ही न्यूज लेकर आते हैं। गंगाधर, गीता दीदी ने ही तो शक्तिमान को शक्तिमान नाम दिया था। एक्चुअली मैं आप दोनों से मदद मांगने आई हूँ। ये मेरा बेटा योगेश है, स्कूल पिकनिक पे गया था, पता नहीं वहां से कहां खो गया। अब ना तो स्कूल वाले कुछ कर रहे हैं, ना ही पुलिस वाले। अब तो बस शक्तिमान का ही सहारा है। गीता, तुम प्लीज शक्तिमान को ये बात बता देना, मेरा योगेश के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। लगता है इसे होश आ रहा है। लगता है इसे बेहोश होने से पहले इस घटना याद आ रही है। घबराओ मत, तुम यहाँ सुरक्षित हो। कहाँ हूँ मैं? कौन है आप लोग और ये कहाँ ले आए हो मुझे? दोस्त है, उस हादसे में पाप की शक्ति तुम्हारे शरीर में समाहित हो गई है। पाप की शक्ति? तुम यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं रहना है मुझे यहाँ, मुझे घर जाना है। मेरी मॉम मेरी चिंता कर रही होंगी। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते।
देखा तुमने कितने लोगों को घायल किया है? मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग मुझे जाने से रोक रहे थे, मुझे घर जाना है। देखो तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारे शरीर में असाधारण शैतानी शक्ति समा गई है और इस बुराई को दूर करने के लिए तुम्हें यहीं रहकर इस बुराई से स्वयं लड़ने का तरीका सीखना होगा, तभी तुम समाज में बाहर जा सकते हो। मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही, मुझे मॉम के पास जाना है बस, मुझे यहाँ नहीं रहना। और हाँ, अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं दोबारा भागने की कोशिश करूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। किंतु शक्तिमान, योगेश के साथ जो कुछ भी हुआ है वो महज एक दुर्घटना थी महाशय, उसमें इसका कोई दोष नहीं। तो फिर हम एक निर्दोष से उसकी आजादी कैसे छीन सकते हैं महाशय? परंतु ये समाज की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है शक्तिमान। समाज की सुरक्षा के लिए ही शक्तिमान का निर्माण हुआ है महाशय। जिस समाज को मैंने शांति और सुरक्षा का वादा दिया हो, उसी समाज में रहने वाली एक माँ और बेटे को मैं एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता हूँ महाशय? यदि कल योगेश बुराई के प्रभाव में आकर शैतान बन गया तो श्री सत्य की भविष्यवाणी को भूलो मत शक्तिमान। हो सकता है कि अंधेरे का महायोद्धा यही हो। आने वाले खतरे को पहचानो शक्तिमान। खतरे के डर से सिद्धांत बदले नहीं जाते महाशय। माँ के साथ रहने का हक हर बच्चे को होता है और ये अधिकार हमें इसे देना होगा। और एक वादा तुम्हें भी करना होगा योगेश, समाज में कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करोगे और ना ही कभी किसी को इस अनुसंधान केंद्र के बारे में या फिर उस गुफा में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था नहीं बताओ। मंजूर? वक्त आने पर तुम्हें अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने की इजाजत भी मिलेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें शक्ति का अर्थ समझना होगा। याद रखो योगेश, तुम एक खास बच्चे हो, मैं तुम में भविष्य का शक्तिमान देख रहा हूं। अब मॉम के पास चले। योगेश, मॉम, मेरा बेटा। थैंक यू सो मच शक्तिमान, आपने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। योगेश भूकंप के दौरान जंगल में बेहोश हो गया, कुछ भले लोगों को यह मिल गया, उन्होंने इसे अस्पताल में पहुंचा दिया। वैसे अब यह बिल्कुल ठीक है। अपना वादा याद है? अच्छा, चलता हूं। बाय। योगेश को समाज में लाकर तुमने अंधेरे का काम बहुत आसान कर दिया शक्तिमान। अब ये अंधेरे की पहुंच में आ गया है। नजर आ रहा हूं क्योंकि सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। एक्सक्यूज मी योगेश बाबा, मॉम ने तुम्हारे लिए सैंडविच भेजा है, खा लेना। ठीक है, देखा, अब तो यकीन आ गया, इन लोगों के लिए तो मैं तो जैसे हूं ही नहीं। जैसे तुम्हारे पास स्पेशल पावर आ गया, उस पावर के साथ स्पेशल दोस्त भी आ गया। मेरे पावर के बारे में बात मत करो। क्यों, शक्तिमान ने मना किया है? तुम्हें कैसे पता? वो जो शक्तिमान है ना, वो तुमसे जलता है। क्या कह रहे हो? कैसे? कॉम्पिटिशन।
कंपटीशन माय फ्रेंड, कंपटीशन किसे अच्छी लगती है? तुम में वो सारी खूबियां है जो शक्तिमान के पास है। अगर तुम चाहो तोड़ सकते हो, अगर तुम चाहो पावर किरणें छोड़कर अटैक कर सकते हो, अगर चाहो तो यहीं बैठे बैठे उस आदमी की कॉफी गिराकर उसके कपड़े खराब भी कर सकते हो। करना चाहोगे? करो ना। बस तुम्हें इतना ही करना है कि उसकी तरफ उंगली उठाकर मन में सोचना है और पावर किरणें भेजकर उस कॉफी को उस कपड़े के ऊपर गिराना है। वो सारी खूबियां हैं जो शक्तिमान के पास है, लेकिन शक्तिमान कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम उन खूबियों का इस्तेमाल करो, क्योंकि अगर तुमने उन खूबियों का इस्तेमाल किया तो समाज में शक्तिमान पुराना हो जाएगा। सोचने वाली बात है, सोचो सोचो। हे योगेश, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूं, सोचना जरूर। कब आए तुम? बस अभी थोड़ी देर पहले। शक्तिमान ने तुम्हें ढूंढा, वो तुम्हें यहाँ लेकर आया। ओहो, मैंने मिस कर दिया शक्तिमान को। वैसे कल तुम स्कूल आ रहे हो ना? आ रहा हूँ। डांस कंपटीशन का क्या करना है? जब से तुम गए थे तब से हम प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए हैं। अब कैसे हरा पाएंगे समीर को? कितना फास्ट चलाता है, ने इतना होमवर्क दिया है। अरे ये मम्मी का बच्चा कहाँ से आ गया? ए मम्मी के बच्चे और मम्मी के बच्चे की चमची, मुझ पर हंस रहे थे, मुझ पर। अब कल अपने डांस कंपटीशन के बाद अपनी हार के आंसू बहाना। और अगर हम जीत गए तो तुम योगेश को चिढ़ाना छोड़ दोगे? डन बंद कर दूंगा, लेकिन सपना मत देखो मम्मी के बच्चे की चमची। यहाँ विनर ओनली समीर है। समीर, गॉट इट? हमारी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हुई है, ऐसा करेंगे तो कैसे हरा पाएंगे समीर को? अरे हेलो दोस्त, घबराओ मत, मैं यहां भी किसी को नजर नहीं आ रहा हूं। तो फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? जीत के बारे में। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड दिव्या को जीतना है, तुम उसे जीत दिला सकते हो। कैसे? जीतने के लिए हम सबको अच्छा नाचना होगा और हमारी तो प्रैक्टिस भी नहीं हुई। तो समीर को डांस करने से रोक दो। कैसे? टांगे तोड़ दो उसकी। टांग नहीं, डांस नहीं, नहीं ये मुझसे नहीं होगा। जीतने के लिए सब कुछ करना पड़ता है मेरे दोस्त, सब कुछ। योगेश, ये तुम्हारे लिए, मैंने पहले से खरीद ली थी। ये शक्तिमान की ड्रेस हमारे एक्ट का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा सभी के लिए। और वैसे भी आज का पूरा दिन तो है हमारे पास, आज हम खूब प्रैक्टिस करेंगे, शायद अच्छा करने लगे। लो, पावर भी मिल गया, सुपर हीरो की ड्रेस भी मिल गई। अब तो तुम्हें दिव्या को जीत दिलानी होगी, वरना वरना उसका दिल टूट जाएगा मेरे दोस्त।
साल की डांस चैंपियन टीम है दिव्यास ग्रुप। जी हाँ। मुझे खुशी है कि आज हम जीत गए। हे दिव्या, गाइस, क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि आज हम जीते? असली खुशी असली जीत से मिलती है योगेश। हमारी जीत नकली है। समीर घायल हो गया इसलिए हम जीत पाए। पता नहीं तुम्हें इस जीत से इतनी खुशी क्यों हो रही है। कमाल है, मैंने जीतने के लिए समीर को घायल किया और मेरी टीम में से किसी को भी खुशी नहीं हो रही है। हेलो दोस्त, तुम दिव्या को जीत दिलाकर खुश हो ना, तो बस सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचो, क्योंकि दूसरों को खुशी देने वाले हमेशा दुखी होते हैं। इस खुशी को सेलिब्रेट करो मेरे दोस्त। कैसे? चाहो तो तुम शक्तिमान की तरह उड़कर घर जा सकते हो। क्या मैं उड़ सकता हूँ? हाँ, तुम उड़ सकते हो। सचमुच बहुत मजा आएगा। नहीं, अभी नहीं, मुझे शक्तिमान ने मना किया है। शक्तिमान को मना करने का हक तब होता जब ये सारी शक्तियाँ तुम्हें उसने दी होती। तुम्हें ये जो शक्तियाँ मिली है तुम्हारे किस्मत से मिली है, जिसके मालिक सिर्फ तुम हो। सिर्फ तुम मेरे दोस्त। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ तुम कर सकते हो, शक्तिमान नहीं। कम से कम अपनी खुशी के लिए तो तुम अपने पावर का इस्तेमाल कर ही सकते हो। चलो कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो मेरे दोस्त, उड़ने की कोशिश करो। कोशिश करो मेरे दोस्त। मजा आया ना? हाँ। चलो एक बार फिर। अब तो तुम उड़कर कहीं भी जा सकते हो मेरे दोस्त। बुराई की ओर पहली उड़ान तुमने भर दी है योगेश। अब अंधेरा बहुत जल्द तुम्हें पूरी तरह से शैतान बना देगा। शैतान। लड्डू कहाँ चले गए? कौन खा गया? मेरी आइसक्रीम। छोटा शक्तिमान मेरी आइसक्रीम छीनता है। शक्तियों के प्रदर्शन करने से मना किया था ना तुम्हें? तुम न सिर्फ अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे बल्कि मेरी ड्रेस पहनकर ये सब कर रहे थे।
मेरे मना करने के बाद भी तुमने ऐसा क्यों किया योगेश? महाशय सही कह रहे थे, तुम्हारी सही जगह वही है, अनुसंधान केंद्र। नहीं, मैं मॉम से दूर नहीं रह सकता। मगर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी माँ के साथ कैसे रह सकते हो योगेश? क्यों? शक्ति मुझे मेरी किस्मत से मिली है, और क्या हो गया अगर मैंने थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया तो? शक्ति के प्रदर्शन करने से पहले शक्ति का अर्थ समझना होता है योगेश। शक्ति का मतलब होता है जिम्मेदारी। जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक जिम्मेदारी। मगर तुम तो अपनी शक्तियों से खिलवाड़ कर रहे थे, और तुम्हारे उस खेल में अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंच गया होता तो न जाने कितने लोगों की जान चली गई होती। मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं जानता हूं कि तुम बुरे नहीं हो, इसीलिए तुम पर भरोसा किया। महाशय के मना करने के बाद भी समाज में रहने को दिया था मैंने तुम्हें। अगर तुम मेरा भरोसा तोड़ रहे हो, मैंने कहा था ना, सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने दूंगा। अगर जब तक मैं न कहूं, तुम्हें समाज में अपनी शक्तियों को छिपाकर रहना होगा योगेश। पहली गलती है इसलिए माफ कर रहा हूं, दूसरी गलती हुई तो तुम्हारा घर होगा अनुसंधान केंद्र, हमेशा के लिए, समझ गए? शक्ति मेरी है और उसकी इस्तेमाल करने के लिए मुझे शक्तिमान से परमिशन लेनी होगी। नहीं, वो मुझे मेरी मॉम से दूर कर देगा। क्यों? अब शुरू होगा आखिरी खेल। शायद मैंने ज्यादा ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। यही कहने आया हूं योगेश कि तुम मुझे हमेशा अपने साथ समझना। देखो योगेश, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर मेरी शक्तियां हमेशा तुम्हारी हर जरूरत के लिए तैयार रहेंगी। तुम जब कभी भी मुझे याद करोगे, तुम्हारी मदद के लिए मैं आ जाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। गुड। मुझे मॉम
को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मॉम, तुम्हारी माँ आप नहीं रही मेरे दोस्त। नहीं, ये झूठ है। काश काश ये झूठ होता, लेकिन यही सच है। नहीं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। मॉम मॉम उठिए ना। मॉम मॉम मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मॉम शक्तिमान को बुलाओ ना दोस्त, उसने कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। इनको जिंदा करना आप शक्तिमान की बस की बात नहीं, इसीलिए तो तुम्हारे पुकारने के बाद भी वो नहीं आया। मॉम उठिए ना। मॉम मॉम उठिए ना। मॉम एक उपाय है, अगर तुम चाहो तो। तमराज किलविश, सिर्फ तमराज किलविश ही तुम्हारे मॉम को जिंदा कर सकते हैं मेरे दोस्त। कौन है ये? अंधेरे के राजा है तमराज किलविश, शक्तिमान से ज्यादा शक्तिशाली है तमराज किलविश। समझ लो, दूसरे ईश्वर है तमराज किलविश। अगर वो चाहे तो तुम्हें तुम्हारी मॉम वापस मिल सकती है, बल्कि तुम्हें शक्तिमान से ज्यादा शक्तिशाली बना देंगे तमराज किलविश। तुम जो चाहोगे वो कर पाओगे, जैसे चाहोगे अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर पाओगे। कहाँ है तमराज किलविश? मुझे उनके पास ले चलो दोस्त, क्योंकि मैं अपनी मॉम के बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में, वहीं तो रहते हैं किलविश। अपने दिमाग में गुस्से की आग को बढ़ाओ, उसमें ना फरक का घी डालो और फिर पुकारो उसे। तुरंत सामने आ जाएगा अंदर छिपा हुआ अंधेरा। अंदर का अंधेरा ही तो है तमराज किलविश। योगेश कहाँ हो बेटा? योगेश पता नहीं कहाँ चला गया। किस्मत ने तुम्हें पाप की ताकतों का मालिक तो बना दिया, फिर भी तुम अपनी माँ को जिंदा नहीं कर पाए। मॉम के लिए तो आया हूँ आपके पास तमराज किलविश। तमराज किलविश किसी को कुछ भी यूं ही नहीं देता। अगर तुम्हें अपनी माँ चाहिए तो मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल मेरे लिए करना होगा। सब करूँगा मैं, मॉम के लिए सब करूँगा मैं। जवाब पसंद आया हमें। ताकत से पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकते हो। तुम्हें अंधेरे की एक चीज पृथ्वी के उस केंद्र तक पहुंचानी होगी। तुम्हें इसे लेकर उसी गुफा में जाना होगा जहां तुम्हें शक्ति मिली थी। उस गुफा की जमीन में एक दरार है, उस दरार के अंदर घुसकर तुम्हें पृथ्वी के केंद्र में जाना होगा। और जैसे ही तुम पृथ्वी के केंद्र में पहुंचोगे, ये इस बटन को दबाना। फिर ना केवल तुम्हें तुम्हारी माँ वापस मिलेगी, बल्कि शक्तिमान से भी ज्यादा ताकतवर बना देगा तुम्हें अंधेरा। बोलो बोलो, अंधेरे के साथ हो? हमेशा के लिए। और यदि शक्तिमान ने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो? अब कोई मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगा, शक्तिमान भी नहीं। अंधेरा कायम रहे हमेशा। अंधेरा कायम रहे हमेशा। Over!
तुम्हारा ये रूप, तो पाप तुम्हारे पर हावी हो गया। इस विनाशकारी हथियार को लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अंधेरे को अपना चुका हूँ शक्तिमान, मेरे रास्ते से हट जाओ। कैसे हट जाओ? मैंने तुम्हें अंधेरे से दूर रखने का वचन सूर्यांशी समुदाय को दिया है योगेश। अंधेरा तुम्हें अपना मोहरा बनाकर दुनिया का विनाश करना चाहता है। मैं तुम्हें अंधेरे का गुलाम नहीं बनने दूंगा योगेश। ताकि मैं तुम्हारा गुलाम बना रहूं, तुमसे शक्तिशाली होकर भी तुम्हारे हुक्म का मोहताज बना रहूं। जब तुम्हें मदद के लिए पुकारा था तब तुम कहां थे शक्तिमान? कब कब पुकारा था तुमने मुझे? रहने दो शक्तिमान, अब मुझे मेरा सच्चा साथी मिल चुका है। सच तो है कि तुम मुझसे जलते हो, बल्कि डरते भी हो ताकि मैं तुम्हारी जगह ना ले लूं। मैं तुम्हें अपनी जगह देना ही चाहता था योगेश। मैं तुम्हें अपनी तरह सच्चाई का योद्धा बनाना चाहता हूँ कि संसार सच्चाई से चलता है। संसार की सुंदरता सच्चाई ही, बुराई का काम तो संसार की सुंदरता को बिगाड़ना ही होगा। मैं तुम्हें बुरा नहीं बनने दूंगा योगेश। तुम्हें तो रोक लो शक्तिमान। मीडिया वाले हैं, ऐसे मुसीबत के वक्त हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें यही रहना चाहिए और अपने न्यूज चैनल के जरिए अंतिम समय तक अपनी सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है। सुन रहे हैं आप लोग, ये हमारी जिम्मेदारी है। गीता दीदी ठीक कह रही हैं, हम सबको यही रुकना चाहिए। चलिए शक्तिमान आ गया।
साबित हुआ शक्तिमान। सुनामी की विशाल लहरों को हमारे शहर में आने से रोक दिया। होती जा रही, मुझे भी अपने कद को बढ़ाना होगा। ये हमारी आंखों के सामने का नजारा है। शक्तिमान का कद बढ़ता चला जा रहा है। सुनामी की विकराल लहरों से लड़ने के लिए विशाल बन गया है हमारा शक्तिमान। इस सुनामी को रोकने के लिए मुझे अपने 5 तत्वों वाले शरीर में विभक्त होना ही पड़ेगा। समा लिया। एयरमैन शक्तिमान के वायु शरीर ने लहरों को पीछे धकेलकर पूरे मोहल्ले को बचा लिया है। भूमि शरीर ने चट्टान का रूप लेकर समंदर की लहरों को रोक लिया है। Oh,
दिया है। वैसे हम सभी पांच तत्वों के योग से बने हैं, मगर हम में और शक्तिमान में फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम इन पांच तत्वों के गुलाम और वो इन पांच तत्वों का मालिक। हमें गर्व हमारे रक्षक शक्तिमान पर। इसके अंदर के पाप को निकालना होगा। मैं तुम्हें शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सिखाऊंगा योगेश। इस लायक बनाऊंगा कि एक दिन तुम भी मेरी तरह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए करोगे और समाज के रक्षक बनोगे। गलतफहमी है तुम्हारी, यह अंधेरे का योद्धा है। अंधेरे का योद्धा ही बनेगा शक्तिमान। दुश्मन जिसके, जो सच्चे है वो दोस्त उसके। दुनिया से पाप हटाएगा, सतयुग को वापस लाएगा। करने आया वो चमत्कार, सच्चा सच्चा वो शक्तिमान। हे शक्तिमान।